पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा का कहना है कि इस मीटिंग में एमएसएमई से जुड़े करीब 100 मुद्दों पर चर्चा हुई। हमारे साथ पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा, सर जी मीडिया से बात करेंगे। शुक्रिया। मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि ये कहा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जिसको देखेगी और फिर वो अपनी रिपोर्ट कब देगी? पूरा लघु उद्योग और बीच वाले जो है एमएसएमई, उनके ऊपर तीन स्ट्रक्चर बनाया गया है। एक है फिटमेंट कमिटी, वो रेट्स देखेगी। लॉ कमिटी, जितनी लॉ के जितनी इश्यूज है देखेगी। उन लोग आके, ये ऑफिसर्स के कमिटी है, वहां से वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास अपना रिपोर्ट देते जाएंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स चेयर कर रहे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, केंद्रीय सरकार के वो चेयर कर रहे हैं, और राज्यों के काफी मंत्रियों उसके मेंबर हैं। और बाकी मंत्रियों को भी कहा गया कि अगर आप दिल्ली में हैं और जहां मीटिंग हो रहा है, आप जरूर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं खासकर एमएसएमई जिसकी चर्चा हुई है, जिनको देखा आज जाएगा? 100 से ज्यादा मुद्दे लिया गया एजेंडा में, वो सारे वहां आने वाले। कंप्लायंस बर्डन के मोर्चे पे कौन कौन सी रिलीफ देने की सर बात की गई थी, खासकर इंटरस्टेट है, रिफंड का प्रोसेस है, उसमें भी कुछ सिंप्लीफिकेशन की सब फिटमेंट कमेटी और लॉ कमेटी में जाएगा।